my channel. Hope you guys are doing well. So in this video, I'm simply going to talk about D.Y. Patil College of Ayurveda. The reason behind making this video is I was getting lots and lots of DMs on my Insta handle and also on my YouTube channel. So people were constantly asking me ki D.Y. mein admission kaise lena hai, D.Y. mein course kya hai aur uska fees kitna hai and eligibility criteria, etc. etc. So finally I've decided to make this video. And guys, video थोड़ी बड़ी हो सकती है because आप लोगों के doubts भी बहुत ज़्यादा थे. So and मैंने ये पूरी list बनाई हुई है to clear your doubts. So have some patience and watch the video till end. So guys, without wasting any more further time, I'm going to start this video right now. So let's start. Okay guys, so before starting the video, I'll give you all a short overview of D.Y. Patil College of Ayurveda. So the name of the course is BAMS. Now what is BAMS? People doesn't know what is BAMS. So the BAMS, full form of BAMS is Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. ठीक है? जिन्हें नहीं पता होता, अब हम उनको बताते कि हम BAMS कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके फेस पर क्वेश्चन मार्क होता है एंड देन उनको लगता है कि हम या तो बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर हम मास मीडिया कर रहे हैं. तो गाइज नो, BAMS इज ऑल्सो अ डॉक्टर. ठीक है, तो गाइज ये जो कोर्स है D.Y. Patil में ये होता है 5.5 ईयर का कोर्स. ठीक है, एंड जब हर साल D.Y. Patil में 100 स्टूडेंट्स की ही कैपेसिटी होती है, इनटेक कैपेसिटी ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर ओनली अवेलेबल फॉर BAMS. D.Y. का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो BAMS की जो स्टडी होती है उसका लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश में होता है. कि मतलब हम जो पेपर है वो थियोरी पेपर जो होती है वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं. बाकी कॉलेजेस में ऐसे कि जो BAMS का जो होता है वो मराठी या फिर संस्कृत लैंग्वेज में थियोरी के पेपर्स आते हैं, बट हमें हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये डाउट्स क्लियर हो गए. 100 स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी है, हर साल इंग्लिश में पेपर लिख सकते हैं एंड या सो नाउ आई गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. पीपल आर आस्किंग मी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BAMS. तो गाइस जो पहले तो HSC साइंस करना है, साइंस से हमें 12th क्लियर करना है. 12th के एग्ज़ाम्स में जो होता है हमें हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, एंड देन जो हमारा तीन सब्जेक्ट्स होता है PCB उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें भी 50% होने चाहिए फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, एंड उसके साथ हमें जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अभी CET नीट, हमारे वक्त मैं 2015 बैच की हूँ तो मेरे टाइम सिर्फ CET था, नीट तो अभी आया हुआ है तो हमारे टाइम पे तो नीट नहीं था, बट CET एंड नीट में भी एलिजिबल होना चाहिए. एंड उसके अलावा D.Y. Patil का अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो है AIET. ठीक है, ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, वो D.Y. Patil डीम यूनिवर्सिटी है तो इनका खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसमें हम एलिजिबल होना चाहिए तब जाकर ही आपका एडमिशन होता है. सो नीट एंड CET के अलावा, ये तो ऑप्शनल है आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज हमारे टाइम पर तो ऑप्शनल था, AIT ही कंपलसरी था, उसके बेसिस पर हमारा एडमिशन होता था. अभी शायद नीट एंड CET के अलावा भी AIT तो देना ही है, तो इस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है. ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन था मुझे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स. तो मैंने आपको बताया ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 5.5 ईयर, तो उसमें 4 ईयर का जो होता है हमारा, सॉरी 4.5 ईयर का हमारा थियोरी एंड वाइवल जो भी होती है ये कोर्स हो जाता है, एंड देन 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है. तो 1 ईयर की इंटर्नशिप में हमारा 6 मंथ्स का जो होता है वो D.Y. में होता है, D.Y. Patil के हॉस्पिटल में, D.Y. Patil कॉलेज में ही उनका ही हॉस्पिटल भी है, आयुर्वेद का अलग से हॉस्पिटल, तो उसमें हमारी 6 मंथ की इंटर्नशिप लगाई जाती है. एंड देन 6 मंथ जो होते हैं वो बाहर होते हैं, तो वो डिवाइडेड होता है 3 मंथ CVL में या PHC या फिर RH, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कैसे 3 मंथ्स उसको कवर करना है. ठीक है, ये हो गया 5.5 ईयर का कोर्स, एंड देन इंटर्नशिप भी हो गया. अब एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगता है,
डॉक्यूमेंट जो है वो लगता है आपको एसएससी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट, अटेंड सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, कास्ट थ्री और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सब जो भी है आपको एडमिशन के वक्त बताया जाएगा। मैंने एक छोटा सा आपको क्लू दे दिया, ठीक है। अब जो है ग्रेडिंग की बात आती है कि जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं हमारे डीवाई में, एक बार ये एडमिशन होने के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका जो भी पेपर, जो आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो वन ईयर के होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर होता है वो एक एक साल का होता है, एंड देन जो फोर्थ ईयर होता है वो 1.5 ईयर का होता है। तो जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें हमारा थियोरी एंड प्रैक्टिकल बेसिस पर होता है। तो दोनों में हमें 50-50% मार्क्स, पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तभी हम आगे के ईयर में एडमिट होते हैं, ठीक है। तो हमें 50% मार्क्स दोनों में होना चाहिए, थियोरी में एंड प्रैक्टिकल में फॉर पासिंग, ठीक है। अब फीस पर आते हैं। तो गाइस, फीस जो है वो 6 लाख पर ईयर है। फीस जो DY की जो फीस है फॉर BAMS, हाँ गाइस, नॉट फॉर अदर कोर्सेज, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली BAMS। जो BAMS का कोर्स है वो 6 लाख पर ईयर है, ठीक है। एंड देन अभी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो भी है, आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपको इंक्वायरी और कुछ करनी है, तो मैं आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप फिर यहाँ पर ऊपर कहीं मैं आपको डाल दूँगी, तो आप देख लेना। एंड गर्ल्स, अभी ये हो गया आपका डाउट क्लियर। अब गर्ल्स, लोगों ने मुझे पूछा है हॉस्टल का फीस। मैं तो हॉस्टल में नहीं गई थी, मैं ट्रैवल करती थी, बट मेरे फ्रेंड्स रहते थे हॉस्टल में, तो मुझे पता है थोड़ा बहुत आइडिया है। तो जो हॉस्टल की फीस थी वो थी 2,10,000 पर ईयर। तो ये 2,10,000 पर ईयर फीस होती है हॉस्टल की, एंड गर्ल्स का एंड बॉयज़ का अलग अलग सेपरेट हॉस्टल है। एंड जो गर्ल्स 2,10,000 की पर ईयर की फीस है, उसके साथ ही 50,000 जो है डिपॉजिट करना होता है। वो 50,000 आपको बाद में रिफंड हो जाता है, बट 50,000 कंपल्सरी डिपॉजिट करना होता है, एंड ये 2,10,000 जो फीस है वो अलग से होती है, ठीक है। ये हो गया हॉस्टल का क्लियर। एंड एक और चीज़, एक बार आपने एडमिशन ले लिया और फिर अगर आपके दिमाग में से कुछ आता है कि आपको गिव अप करना है, आपको नहीं करना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन आर केसेस। तो एडमिशन लेने से पहले ही सोच लेना कि आपको ये पूरा कंप्लीट 5.5 ईयर्स का कोर्स करना ही आए, बिकॉज अगर इन द मिडल ऑफ कोर्स इफ यू गाइस थिंक ऑफ क्विटिंग, अगर आप क्विट करने की सोच रहे हो, तो आपको जो है 5.5 ईयर्स का पूरा फीस जो होता है वो भरना ही पड़ता है, फिर ही आप छोड़ सकते हो। तो इससे बेटर आप पूरा ही कर दो, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा BAMS का। इतने क्वेश्चन जो मुझे आए थे और जो मुझे लगा उन्होंने ट्राई किया इसमें सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और अगर इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पर, जैसे आप लोग कर रहे थे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी ट्राई करूँगी क्लियर करने के लिए। अभी मुझे कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे MD एंड MS के लिए, ठीक है। ये जो अभी जो मैंने बताया तो अंडर ग्रेजुएट के लिए था, अभी पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ मैं। तो कुछ लोगों के मुझे DMs आए थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने PG नहीं किया है, मैंने सिर्फ BAMS किया है। तो MD और MS का जो कोर्स है उसके लिए मैं बताती हूँ। तो सेम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, BAMS क्लियर हो जाना चाहिए, BAMS के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है फॉर DY, दैट इज AITGET, ये एंट्रेंस एग्जाम होती है AITGET। तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपको अप्लाई करना होता है, उसमें आप क्लियर होने के बाद फिर आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसकी फीस जो है 3 इयर्स का कोर्स होता है, और इसकी फीस जो है 5,50,000 है पर ईयर। 3 साल का कोर्स का फीस है 5,50,000। जी इतना ही पता है मुझे, इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो गाइज, या दिस इज इट, आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मुझे जितना पता था DY के बारे में, BAMS के बारे में, मैंने ट्राई किया और पता करके मैंने आपसे शेयर किया। सो या गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अगर कुछ और डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में यू
यू कैन आस्क और एल्स यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टा हैंडल. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूंगी. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग. होप यू गाइज एंजॉयड इट. सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.